आप कम भोजन करके भी ऊर्जा से भरपूर रह सकते हैं और अपने वजन को मेंटेन रख सकते हैं। आपका शुगर लेवल अचानक से नहीं बढ़ेगा और आपको लंबे समय तक भूख भी नहीं लगेगी। इससे आपको आयरन मिलता है और इसमें बहुत सारा फाइबर होता है। तो अगर आप अपनी दिमागी क्षमता और शारीरिक गतिविधि दोनों का उपयोग करना चाहते हैं तो ये अच्छे से काम करेगा। अगर आप शाकाहारी भोजन करते हैं तो आपको इसे जागरूकता पूर्वक खाना होगा। आपको ध्यान रखना होगा कि खाने में पर्याप्त चीजें हों। पोषण का मतलब सिर्फ सत्यापित तथ्यों से नहीं है। पोषण का मतलब है वो जो आपके जीवन को सहारा देता है। तो इस संदर्भ में मोटे अनाजों में मानव शरीर को कई तरीकों से पोषण देने की एक विशेष शक्ति होती है। सभी अनाजों की तुलना में मोटे अनाजों में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। साथ ही इसमें कैल्शियम, आयरन और कई सूक्ष्म पोषक तत्व उच्च मात्रा में होते हैं, जो आपको सामान्यतः बाजार में उपलब्ध गेहूं और चावल में नहीं मिलेंगे, जिसे आज बड़ी संख्या में लोग खा रहे हैं। तो खासकर कर्नाटक में लगभग 40 साल पहले हर घर में लोग रागी का सेवन करते थे। रागी मुद्दे बहुत ही लोकप्रिय है। इसके अलावा रागी से और भी बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। रागी अंबली बड़े होते बच्चों को हमेशा खिलाई जाती थी और रागी डोसा, रागी रोटी, ये सब बहुत ही लोकप्रिय चीजें हैं। आप जो चीजें चावल के साथ बना सकते हैं वो रागी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन हम एक अनाज के जाल में फंस गए हैं। अपने आहार में कम से कम 50% मोटे अनाज शामिल करें। अगर आप यात्रा और अन्य कारणों से 100% नहीं भी कर सकते, तब भी 50% करने पर आप तीन चीजें देखेंगे। पहली चीज है कि आपका सामान्य स्वास्थ्य और ऊर्जा का स्तर आपकी वर्तमान स्थिति की तुलना में बहुत अधिक होगा। दूसरी चीज है कि आप बहुत कम भोजन करके भी ऊर्जा से भरे हो सकते हैं और अपने वजन को मेंटेन रख सकते हैं। मोटे अनाजों के संदर्भ में तीसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये धीमी गति से घुलते हैं। आपका शुगर लेवल अचानक से नहीं बढ़ेगा, ये धीरे धीरे घुलते हैं और कम खाने पर भी आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी, जो एक बहुत अच्छी बात है। ये बहुत आसान है। आप में से जो लोग उपवास रखते हैं, अगर आप उपवास और इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसी चीजों के माध्यम से अपने आहार को संतुलित करने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि मोटे अनाज इस प्रकार की जीवन शैली के लिए सबसे अधिक सहायक हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों को खाने का एक बड़ा लाभ ये है कि इसमें आपको आयरन मिलता है और इसमें बहुत सारा फाइबर होता है, जिससे शरीर का भोजन पचाना आसान हो जाता है। पत्ते में जीव द्रव्य होता है जो उसे हरा रंग देता है। अगर आप इसे कच्चा खाते हैं तो आप इसे कभी नहीं पचा सकते। अगर आप इसे पकाते हैं तो आप इसे कुछ हद तक पचा सकते हैं। हरे पत्तों के केवल कुछ ही पहलुओं को आप अवशोषित कर सकते हैं, बाकी सब बेकार चला जाता है। लेकिन ये दूसरा उद्देश्य पूरा करता है, यानी कि यह आपको फाइबर देता है। और अगर पर्याप्त हरे पत्ते खाते हैं, यहाँ तक कि कच्चे हरे पत्ते भी अगर खाए जाएं, तो ये एक ब्रश की तरह काम करता है। यह आपके पाचन तंत्र में जमे बलगम को हटा देता है। आपने देखा होगा, अगर आपके घर में कुत्ते या बिल्लियां हैं तो कभी कभी वो घास खा लेते हैं। ये उनका आहार नहीं है, लेकिन वो इसलिए खाते हैं ताकि बलगम साफ हो जाए। वो इतने जागरूक हैं कि उन्हें पता होता है कि उनके शरीर में कब बलगम भर गया है। इंसान बहुत सारा बलगम यहां है, इसलिए वो इसे नोटिस नहीं कर पाते, वरना आपको इसे नोटिस करना चाहिए। पत्तेदार सब्जियां खाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सुनिश्चित करता है कि आपके शरीर में अनावश्यक अशुद्धियां ना रहें। तो इसे अच्छे से काम करने के लिए कम से कम 24 घंटे या 18 से 20 घंटे का समय चाहिए। इसलिए अगर आप पत्तेदार सब्जियां खाते हैं तो इसे दिन की शुरुआत में ही खाइए, ताकि अगले दिन ये पेट साफ करने की दवा के रूप में काम करे और ये सब कुछ साफ कर दे। इसलिए अगर आप इसे रात में खाते हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलता, आपको इसे दिन की शुरुआत में खाना चाहिए। So, तो
आप ये अच्छे से जानते हैं कि सबसे आसानी से पचने वाला भोजन फल है। पाचन का अर्थ है जठराग्नि, जिसे पाचन अग्नि के रूप में जाना जाता है। अगर इन अग्नियों को सबसे प्रभावी ढंग से जलना है तो फल निश्चित रूप से सबसे अच्छी चीज है। तो फल शरीर पर चमत्कारी प्रभाव डाल सकता है। फलों का पर्याप्त सेवन सिस्टम के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। आप बहुत ज्यादा जीवंत और सक्रिय हो सकते हैं, चाहे आपकी जीवन शैली कैसी भी हो। लेकिन अगर आप बहुत ही मेहनत वाला काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप हर दिन बाहर खुदाई का काम कर रहे हैं, मशीन से नहीं बल्कि शारीरिक रूप से खुदाई कर रहे हैं और बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तब आप देखेंगे कि हर 2 घंटे में आपको भूख लगेगी फलों के कारण, क्योंकि आप केवल कुछ ही मात्रा में फल खा सकते हैं, लेकिन ये इतनी तेजी से पच जाता है कि आप खाली पेट महसूस करते हैं। जब तक आप जागरूकता के खास स्तर पर नहीं आ जाते जहां आप खाली पेट रहकर भी ऊर्जा से भरे हो सकते हैं, क्योंकि भूख का मतलब है ऊर्जा खत्म हो रही है, ठीक जैसे आपकी बैटरी खत्म हो रही है, इसलिए आपको खाने की जरूरत होती है। लेकिन आजकल बहुत से लोग, या मैं कहूंगा ज्यादातर लोग, अगर वो पेट में जरा सा भी खालीपन महसूस करते हैं तो वो खाना चाहते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको थोड़ी जागरूकता की जरूरत है, यानी आप खाली पेट हैं लेकिन फिर भी ठीक हैं, क्योंकि आप ऊर्जावान हैं। जब आपकी ऊर्जा घटने लगती है तो आप खाते हैं। तो अगर आप पूरी तरह से फलाहार लेते हैं तो आपको शायद या तो दोपहर के भोजन में थोड़ा अधिक समय बिताना पड़े और धीरे धीरे खाना पड़े ताकि आप पर्याप्त फल खा सकें, क्योंकि थोड़े से फल से ही आपको लगेगा पेट भर गया है, क्योंकि आमतौर पर मीठे होते हैं, इसलिए आपको थोड़ा रुक रुक कर खाना होगा। हमारे अंदर एक जैविक घड़ी भी होती है। मान लीजिए आप सामान्य भोजन, पके हुए भोजन को 10 से 12 मिनट में खाते थे, अब अगर आप फल खाते हैं तो जैसे ही 10-12 मिनट पूरे होंगे आपका शरीर कहेगा कि आपने पर्याप्त खा लिया है, इसीलिए आपको सचेतन अधिक खाना होगा, क्योंकि यह समय देख रहा है, यह आपकी भूख नहीं देख रहा है, यह बस समय देख रहा है। जब वो 10-12 मिनट पूरे हो जाते हैं तो आपको लगता है पेट भर गया, तो आपको इससे आगे जाकर पर्याप्त खाना होगा। लेकिन अगर आप केवल फलाहार ले रहे हैं और शारीरिक रूप से बहुत सक्रिय हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन में 3 बार भोजन करें, और आप में से ज्यादातर लोग ऐसा कर भी रहे होंगे। तो दिन में 3 बार अगर आप 6 घंटे, 8 घंटे या जितना भी सो रहे हैं, बाकी के 16 से 18 घंटों के लिए दिन में 3 बार खाना पर्याप्त से भी अधिक है अगर आप फल खा रहे हैं, लेकिन पेट 2 घंटे के भीतर खाली महसूस करेगा। तो आपको इसकी आदत डालनी होगी, भरपूर ऊर्जा लेकिन खाली पेट। इसी स्थिति में आपका दिमाग सबसे अच्छा काम करता है। यही वो समय है जब आप एक इंसान के रूप में बेहतरीन कार्य करते हैं, यह आपके लिए अच्छा होगा। तो अगर आप अपनी दिमागी क्षमता और शारीरिक गतिविधि दोनों का उपयोग करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल अच्छे से काम करेगा।